इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना के बीच वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर विरोध किया, नारे लगाए, केंद्र सरकार से अपील की वैक्सीन पहले देश में सबको लगाएं फिर एक्सपोर्ट करें। लेकिन विरोध करते वक्त आप पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइंस भूल गए। नारे लगाने वाली महिलाओं के चेहरे पर आप देख रहे हैं मास्क तक नहीं, तो कई महिलाओं ने ठीक से मास्क नहीं पहना, जबकि दिल्ली सरकार ने कोरोना रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया। उधर महाराष्ट्र में भी वैक्सीन पर घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिन की डोज बची है, अब सिर्फ 14 लाख कोरोना की डोज बची है। टोपे के मुताबिक वैक्सीन खत्म होने पर कुछ सेंटर्स को बंद भी करना पड़ा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि कोविड वैक्सीन की कमी है, कल सिर्फ 1,76,000 वैक्सीन की खुराक थी। तो अभी वैक्सीन जो संख्या है, कल कोविड कोवैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, कोविशील्ड का भी प्रॉब्लम है। कोवैक्सीन तो 1,76,000 कल था, अभी कितना है पता नहीं। तो कभी तो है, 2-3 दिन में सेकेंड राउंड वाले को भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल कितना स्टॉक है आपके पास? मतलब कल 1,76,000 ये कल था, अभी तो और कम हुआ होगा। तो कल परसों से या दे भाई कमी होती जा रही है। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।